क्वेश्चन है ए बी जो देना देना है शॉर्ट आंसर है ए बी सी डी देना जरूरी है टू बी है क्वेश्चन अ शॉर्ट नोट ऑन कंपाउंडिंग टेन मार्क्स का है छोटा आंसर होगा टू फिफ्टी वर्ड में आंसर कंपाउंडिंग इज एन इम्पॉर्टेंट वे ऑफ फॉर्मिंग न्यू वर्ड्स नया नया शब्द बनाने का एक तरीका है ये इन दिस प्रोसेस टू और मोर एग्जिस्टिंग वर्ड्स कंबाइंड टू मेक अ न्यू वर्ड तो क्या दो शब्द को मिला के एक शब्द बना देता है एग्जाम्पल दीजिए फॉर एग्जाम्पल नाउन इज कंबाइंड विद अ नाउन नाउन को नाउन से मिलाता है देखिए जैसे आफ्टर द कंपाउंडिंग वी हैव न्यू वर्ड लाइक अब देखिए क्या होता है बॉय है फ्रेंड को दोनों मिलाते बॉय फ्रेंड हो गया गर्ल है फ्रेंड गर्ल फ्रेंड हो गया रेल रोड रेल और रोड को जोड़े तो रेल रोड हो गया हाउस वाइफ को जोड़े हाउस वाइफ हो गया और वीकेंड वीकेंड, वीकेंड अब देखिए अब मीनिंग्स का समझाना है अब हम पेज टू में आ रहे हैं धीरे धीरे आप समझ जाइएगा तो पेज टू आया ठीक है अब पेज टू में देखिए बॉयफ्रेंड समझा दे बॉयफ्रेंड हैज अ स्पेशल मीनिंग बॉयफ्रेंड का मीनिंग कुछ अलग हो जाता है देखिए क्या अ मैन और अ बॉय दैट समबडी हैज़ अ रोमांटिक और सेक्चुअल रिलेशनशिप विथ तो बॉयफ्रेंड किसको कहते हैं कोई पुरुष हो सकता है बच्चा नहीं बॉय नहीं बड़ा आदमी भी हो सकता है बॉयफ्रेंड या लड़का भी हो सकता है जिसके साथ किसी का रोमांटिक संबंध है जिसके साथ सेक्स तो करना चाहता है उसको कहते हैं बॉयफ्रेंड तो उसको किसका डेफिनेशन ऑक्सफोर्ड का अ मैन कैन बी सिक्सटी ईयर्स ओल्ड एंड बी अ बॉयफ्रेंड तो देखिए साठ साल का बुढ़ा भी बॉयफ्रेंड को बॉय उसको कहा उसको उसका मीनिंग हो जाए बॉयफ्रेंड हो सकता है

तो क्या हो गया कंपाउंडिंग में जो नया शब्द बना ना उसका मीनिंग कुछ बदल जाता है एक कहा जाता है अब देखिए भी देखिए रेल रोड मीन्स अ ट्रैक विथ रेल ऑन विथ ट्रेन रन तो रेल रोड का माना अब रोड नहीं रहा वो, वो रेलवे लाइन का पटरी है जहाँ गाड़ी जाएगी ट्रेन की जाएगी उसको कहते हैं रेल रोड वीकेंड वीकेंड मैंने क्या हो गया देखिए मीन्स सैटरडे एंड संडे वीकेंड का मैंने सैटरडे संडे इसीलिए जो कंपाउंडिंग के बाद ना शब्द का मीनिंग कुछ अलग हो जाता है a housewife is एनी वुमेन who स्टेज at होम टू कुक क्लीन टेक केयर ऑफ द children etc तो हाउस वाइफ क्या है कोई भी औरत हो सकती है कुमारी भी हो सकती है दूसरे की वाइफ हो सकती है उसका काम क्या है खाना बनाना सफाई करना बच्चों का देख रेख करना इत्यादि वो हो गया हाउस वाइफ हाउस वाइफ कैन बी अनदर पर्सन अनादर पर्सन एंड वाइफ तो वाइफे के लिए हाउस वाइफ होना जरूरी नहीं है कोई औरत और भी घर में आकर काम जो करे को देख रेख करे वो हाउस वाइफ बन सकती है तो इसीलिए देखिएगा कंपाउंडिंग के बाद जो नया वर्ड बनता है उसमें मीनिंग बदल जाता है अब देखिए और क्या कर रहे हैं कंपाउंडिंग कैन बी डन विथ वर्ड्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच अलग अलग उधर जो तो नाउन नाउन दिखाए और इसमें अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच में भी कंपाउंडिंग हो सकता है एग्जाम्पल देखिए वर्ब है कि नाउन है तो वर्ब हो गया क्राई नाउन हो गया बेबी तो क्राई बेबी तो क्राई बेबी मैंने क्या हो गया जो हरदम खिनखिन करते रहता है क्राई बेबी इसमें मीनिंग आप डिक्शनरी भी देख सकते हैं प्ले ये वर्ब है बॉय जोड़ दिया प्ले बॉय तो प्ले बॉय में क्या हो गया हरदम खेलते रहता सो नहीं जो मस्त रहता कुछ मीनिंग हल्का फल्का मिलता भी है ये भी बात सच है लेकिन मीनिंग बदल भी जाता है दोनों बात है अब देखिए एग्जाम्पल देखिए यहाँ देखिए है क्या है नाउन है और ये वर्ब है हैंडमेड यहाँ पर हैंडमेड हो गया हाथ से बना हुआ तो किसी किसी माने उतना तो नहीं बदलता है इसीलिए उसको समझिए आप धीरे धीरे हमको समझने में टाइम लगा बहुत में मीनिंग तो बदल जाता है बहुत में हल्का फल्का बदलता है हैंडमेड हाथ से बना हुआ हैंड पिक्ड हैंड पिक्ट में होता है हाथ से चुन चुन के किसी फल को चुनना अच्छा से काम करना हैंडपिक हो गया अब हम आ जाएंगे पेज फोर पर इसका आंसर ना बहुत तरीके से लिख सकते हैं मेरा एक तरीका ये हो गया ये हो गया, ये हो गया। पेज फोर में हम आ गया अब एट टाइम्स अब देखिए छोटा आंसर लिखना है ना एट टाइम्स थ्री वर्ड्स फॉर्म अ कंपाउंड वर्ड कभी कभी तीन शब्द को मिलाकर एक शब्द बन जाता है फॉर एग्जाम्पल ने क्या होता है मीन्स इंस्पाइट ऑफ सम वी हैव सेट फिर भी कभी है, never the list, कभी नहीं। अब फिर देखिए तीन शब्द है फादर है इन है लॉ हो गया क्या हो गया फाइदर हाईफिनिटेड है ये फादर लो तो क्या हो रहा है तीन शब्द को बना के एक नया शब्द बन रहा है आउट एंड आउट ये आउट प्लस एंड प्लस आउट आउट एंड आउट मतलब क्या पूर्णतया ही इज आउट आउट एंड मतलब एकदम पूर्णतया वो सफल है आउट एंड आउट मीन्स इन एवरी वे हर तरह से वो सफल है ठीक है द मीनिंग ऑफ दी ओरिजिनल वर्ड्स इज डिफरेंट फ्रॉम द मीनिंग ऑफ द कंपाउंड वर्ड तो ओरिजिनल वर्ड इस सब का जो मीनिंग है ना ये इधर की मीनिंग से अंतर है इधर का जो मीनिंग है इससे अंतर है ये बता रहे हैं मीनिंग ऑफ द ओरिजिनल वर्ड्स इज डिफरेंट फ्रॉम द मीनिंग ऑफ द कंपाउंड वर्ड समझ गए ओरिजिनल वर्ड यह सब है इसका मीनिंग कंपाउंड वर्ड यह है दोनों का अंतर है ठीक है आप कंक्लूजन दे रहे हैं टू कंक्लूड कंपाउंडिंग इज़ द मोस्ट इज़ द मोस्ट पॉपुलर वे ऑफ मेकिंग न्यू यूवर्स नया शब्द बनाने का तो बहुत तरीका है और हम लोग डील भी किए हैं और भी तरीका सब है लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है कंपाउंडिंग एज हेल्प इन मेकिंग इंग्लिश अ लिविंग लैंग्वेज ये कंपाउंडिंग की मदद से ये इंग्लिश अंग्रेजी भाषा जो ये जिंदा भाषा है जिंदी भाषा है ये लिविंग लैंग्वेज है Thank you very much. 250 words approximately. That's all. Thank you and good night and Shivratri.